अबे दिले सोनम बाजवान भरा निका वीर जी कैसा है पेपर? एकदम ठीक है रहा मेरा फ्रेंड। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके कॉलेज। ऑल राइट सवालों साहब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल दर हाल वाला व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप के सभी खुश मस्त स्वस्थ खाते पीते ऐश करते, बट मेरी 95% से ज्यादा सावनाम इस वक्त इनएक्टिव है। तो जो बाकी एक्टिव है ये शेयर करके बाहर वाले लोगों को ज्वाइन कराओ ताकि हमारी वीडियो की रीच सही हो सके। तो आज है हमारा एग्ज़ाम, आज मेरा सोशियोलॉजी का पेपर है और मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं तैयार यार, कोई मसला नहीं लेकिन क्या करूँगी, जैसे किताब पकड़ता हूँ ना मुझे सर में दर्द होने लग जाता है, कुछ समझ नहीं आता। अब एक दिन में क्या ही तैयारी होगी यार, और ऊपर से मैं व्लॉग बनाता रहा हूँ सब कुछ और साथ में इंटरनेट भी बंद हो गया, मतलब हर तरह से स्ट्रगल की पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो नो मैटर, अभी मैं आया हूँ इनको चराने के लिए, बिकॉज इनको बाद में कोई नहीं चराएगा और इनको चरा के फिर मैं इनको बांध के जाऊँगा और फिर जाके वीडियो अपलोड करूँगा वाईफाई से, और उसके बाद कॉलेज, फिर हम एग्ज़ाम देंगे और कलवंदी करेंगे। मुझे लगता है यार इस बार फिर से फेल ही होना, बट कोई मसला नहीं, आप दुआ करते रहना यार, आपकी दुआ की बहुत आवश्यकता है हमें। मौसम आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूप है और बाकी ज़्यादातर साया ही है, मतलब धूप भी कम ही है उतनी ज़्यादा नहीं है और एकदम सुहाना सा लग रहा है। जब ये 30 डेज व्लॉग चैनल शुरू किया था तब से रास्ते में ऑब्स्टेकल आने लग गई थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगी और अब जाके ये मेजर प्रॉब्लम आ गई। तो यार मेरा तो चलो कम है लेकिन स्ट्रीक वालों का ज़्यादा बुरा हो गया बेचारों का, स्ट्रीक टूट गई बेचारों की, बट कोई मसला नहीं यार। अभी हम वाच टाइम भी कम था, मतलब 1-1.5 महीने की मेहनत और चाहिए थी, बट अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो अभी हम इनको चरा लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं सीधा तैयार होके और फिर चलते हैं कॉलेज और आगे देखते हैं क्या क्या हो। तो सबनम अभी हम तैयार हो चुके हैं, अभी हम चलते हैं कॉलेज, आज हमारा एग्जाम है और तवाई लफज एक नहीं यार, चलो फिर चलो। तो 11:32 हो गए हैं लेकिन हमारा एग्जाम 2 बजे होगा, तब तक हम चल के व्लॉग अपलोड करेंगे यार वाईफाई से। तो सबनम अभी हम आए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, आज मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला था, अपने फ्रेंड से, ये रहा मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा, है ना फ्रेंड? आप किसके फ्रेंड हो? हाशिम। हाशिम ये पीछे दिख रहे हैं। अच्छा ये लंबू सा सचिन मैं लंबू सा सचिन और ये लप्पू सा सचिन। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और ये हमारे शारिक अली बिन गुलाम सर, ये थे हमारे साथ उस दिन। क्या है फैन लव बेसन के नहीं दस्यो? बहुत ज्यादा यार, हर कदम पे एक नया फैन। अच्छा मियाँ बॉडी गार्ड रखी मतलब मैंने उस दिन ऐसा बॉडी गार्ड रोल किया और हर जगह से इनको महफूज रखते हुए आगे हम चले। अच्छा बड़ा तो मुश्किल था यार, आज मेरा पेपर है कुछ याद नहीं है, आप मुझे कोई दुआ ही दे दो और कुछ नहीं तो बस सब फैन की दुआ है, आपका पेपर अच्छा ही। जब फैन ये व्लॉग देखेंगे ना तब तक मेरा एग्जाम हो चुका होगा यार। मुस्तफ़ा भाई क्या हाल है? छपने किए हैं भैया, उस साइड जाओ, उस छपने किए हैं भैया, यही 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 आई मुंडे टॉप करना थे और अरिस्टोटल कितने याद है अपने प्लाटो साहब, एक कार्ल मार्क्स। हेलो हे हाँ सोनम बाजवान भरा निका सुने अल्लाह खान साहब, अरिस्टोटल ही नसी याद है। ओए वीर जी कैसा है पेपर? एकदम ना कर रहा। तू सुना कैसा हुआ मलक साहब, सही है? एकदम। अच्छा कि माड़े बार खजे लियो तुस भी। तो फाइनली हमारा पेपर हो चुका है, तो कलवंदी की दिन तू भी मैं भी, चलो फिर भी दे दिए, आज 3 पेपर हो चुके हैं, अब मेरे 2 बचे हैं, आपके कितने बचे भैया? वेल डन, हमारे भी 2 गाइस बचे। हाँ तो अब हमारा 1 तारीख को एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का, मैं आज तक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, ये अफसोस रहा सी माँ जिंदगी। हाँ आप क्या बोल रहे थे यार? व्लॉग बनाते कोई। क्या कोई व्लॉग बनाते यार? व्लॉग बनाऊँ? हाँ आजकल नेट ही बंद हो गया, क्या व्लॉग बनाऊँ यार। अरे ओहो गड्डी चल गई। हाँ मुझे गाना सुनाओ। अच्छा यार वो सही? हाँ दस मार। नहीं नहीं मेरा डब्बे में रोटी है, बोतल में लस्सी, हाथों में गाटी है, कंबल में रस्सी, जहाँ भी ये जाए अस्सू ही लाए, खाना भी खाए भुखी गा चेतरी है, माड़े अब्बे दिले दी है माड़े अब्बे नहीं लेती है, हाथों में गाटी है, हाथ में गाटी नहीं दराटी है। तो फाइनली एग्ज़ाम देने के बाद अभी हम आ चुके हैं घर और बहुत ही मतलब बिजी शेड्यूल है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने के लिए। आज का व्लॉग फिर से छोटा रह गया, इसलिए आज थोड़ा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही छोटा रह गया ना। तो अभी टाइम भी बहुत कम है, अब टाइम भी नहीं है कि हम कहीं जाएँ या फिर कैसे कुछ भी करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं नई नई जगह बताओ, ये करो वो करो, तो यार मतलब फ्री हो बंदा तब तो कुछ करे, वेले हूँ फ्री लाइफ हो ना तो तब इंसान कुछ भी कर सकता है, बट अगर लाइफ का एक एक मिनट एक एक पल अगर बिजी है तो फिर इंसान क्या ही कर सकता है, मतलब तो यही सीन है कुछ हमारे साथ भी। और सुनाओ आपका नाम क्या है? सोफियान इफ्तिकार।
तो मेहरान किसका नाम है? अबे यार मेरे दो नाम है। अच्छा दो नाम है, इतने नाम क्यों रखे हुए? पता नहीं, एक मम्मा ने मेहरान रखा, मैंने सुफियान बना दिया। अच्छा तूने क्यों सुफियान बनाया, तुझे मेहरान अच्छा नहीं लगा? ना। अच्छा कहाँ रहते हो आप? ये पीछे घर पे। पीछे? हाँ। पीछे रहते हो आप? हाँ। पीछे कहाँ मतलब? मरमटा लिए? ना। हाँ। पीछे वाइट घर है ना। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एमपीएस मतलब? ये स्कूल का नाम है। ये स्कूल का नाम है अब। अरे व्लॉग नहीं बनाता क्या बंदा? रोज नेट खत्म हो जाता है जैसे तेरा। नेट खत्म नहीं होता भाई, नेट बंद हो गया है अब। नेट चल नहीं रहा। नेट बंद कैसे हो सकता है? नेट बंद कर दिया ना पीछे से। यार बोल रहे थे ये व्लॉगर जो है ना व्लॉगर, हाँ? ये पढ़ नहीं रहे हैं, बस बच्चे फोन चला रहे हैं, इसीलिए हमने नेट ही बंद कर दिया। तो फोन चलाता था ना इसलिए बंद हो गया। कब बंद? क्यों चलाता था तू फोन? मैं कब चलाता हूं? मैं कब चलाता था? दिन भर इसके पास फोन के अलावा और कोई काम है ही नहीं है, नेट बंद करा के रखा है इसने। अब मैं वीडियो कहां से डालूं? अच्छा जब मेरे फोन देखा ही नहीं ऐसे बोलता है। दिन भर तू फोन पे पड़ा रहता है बस, और कोई काम है ही नहीं है इसको। तेरी वजह से मेरा पूरा वीडियो का धंधा बंद हो गया। अबे क्या पागल है, कैसे मरता है भाई? मजाक कर रहा हूं। मजाक? क्या मजाक? हां मैं रहने। आप दरहाल के बारे में क्या कहना चाहते हो? यार दरहाल तो बड़ी अच्छी है वैसे। और दरहाल वाला व्लॉग्स? यार वो तो तू ही बना रहा है यार। अच्छा बड़े अच्छे बनाता है। अच्छा मैं तू हूं? आप हैं? अबे यार हैं मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? आगे तक लेला भी आई। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? 17,000। ओए यार इतनी ज्यादा? हाँ 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 हाँ। क्या तूने क्या मुंह खोला जने? तेरे पर तो नहीं डाल, तेरे मुंडे पे तो नहीं आके रख दी मैंने कि हाँ कर रहा है? हैं वो शरारती बच्चा है तू, है शरारती है या नहीं यार? बहुत। अच्छा आपकी शादी कब है? मेरी शादी अभी बहुत दिन है। तो जब मैं व्लॉग बनाता हूँ बीच में पुत क्या करता है तू घर में? करता हूँ दिन भर पुत लगा के रखता है। गाने लगाता हूँ। गाने सुनता है? तो सावनम अभी हमारे साथ एक सीन हो गया। अभी हम वीडियो बना रहे थे ना पार से, मुझे अंकल ने बोला ओए नेट चली गई, मतलब सभी उनके घर वाले बोलने लगे नेट चल गया। तो मुझे भी थोड़ा सा यकीन हो गया कि मतलब चल ही गया, मतलब ये झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको अवॉइड कैसे करें, फिर मैंने उनको कहा मेरा आ नहीं है यार, अगर चलता तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता। तो वो हंसने लगे, वहाँ से मुझे पता चल गया ये मजाक ही करने। अच्छा हुआ मेरा कट नहीं गया। ये वादियाँ ये फिजाएं और ये तारे हैं, कदे उस खंबे ते कदे उस खंबे ते यार मेरा बिजलियाँ वर्गा। तो अभी हम खारी सट लेते हैं यार, हमारे किस्मत में खारी या लाड़ी नहीं है। सो फाइनली हमारा पेपर भी हो चुका है, काम भी हो चुके हैं और अभी पढ़ चुकी है, बहुत शाम और मैंने अभी भी इनको खोला हुआ है बिकॉज इनको सुबह थोड़ा सा चलाया था और ये भूखे रह गए थे, इसलिए अभी थोड़ा देर तक इन्हें खोला हुआ है, अदरवाइज इस टाइम तक मैं इनको बांध देता। और अभी हमें बाजार भी जाना है, कोई काम है छोटा सा। और जब से ये 30 डेज व्लॉग चैलेंज शुरू किया ना उसका आज 21st व्लॉग है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई यार, बहुत सारी। कभी बैठ के डिस्कस करेंगे। इवन कि मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हम जब वीडियो डालते हैं ना तो बहुत सारे अच्छे लोग देखते हैं, हमारे फैंस देखते हैं, बट बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नज़र लगा देते हैं इंसान को यार। तो मेरे साथ क्या हुआ, सबसे पहले मेरी जो गाय है ना जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, तो उसको ऐसी नज़र लगी कि जब उसकी डिलीवरी हुई ना उससे पहले दिन उसके पेट में उसका बच्चा मर गया और एकदम सूझ के बहुत बड़ा हो गया, मतलब तो उसको निकालने में जोर लगा लगा कि डॉक्टर ने इतनी मुश्किल से उसे निकाला और हमने खींच के मतलब लख में से दर्द निकल गया। उससे दूसरे दिन क्या हुआ कि सुबह 5 बजे मुझे एकदम इस जगह से झटका निकला, फिर जहाँ पर दिल होता है यहाँ से एकदम झटका लगा ना, लेटे लेटे सांस भी ना लेने हो। फिर मैं जब बैठा ना तब थोड़ी थोड़ी सांस ली जा रही थी और फिर लेटा ही नहीं जा रहा था, मतलब फिर उसके बाद बैठ के रात गुजारी। तो उसके बाद हमारी एक मुर्गी आज मर गई, मतलब क्या हो रहा है यार। चलो मुर्गी कम समझ सकते हैं कि कोई इंसिडेंटली कुछ ना कुछ हो सकता है, बट जो गाय और मेरा सीन था ना वहाँ पे परफेक्ट 100% नज़र ही थी। तो यार हम अपनी तरफ से जितने मर्जी अच्छे बन जाएं लेकिन कोई ना कोई हमें गिराने की कोशिश हर तरफ से करता ही रहता है। जब हम सक्सेस के स्टेज पर होते हैं या स्ट्रगल के फेज पर होते हैं तो हमें ये सब कुछ देखना ही पड़ता है, एट एनी कॉस्ट हमें ये सब का सामना करना पड़ता है। और आज तो टाइम भी बिल्कुल नहीं था और फिर भी मैंने व्लॉग जैसा तैसा करके बना दिया, 21st व्लॉग था ये। और कल वाला व्लॉग हम सही से बनाएंगे, अभी कल तो रैप्स भी बनाने, बट कोशिश करेंगे कि कल के व्लॉग में हम कुछ नया दिखाएं और थोड़ा लंबा व्लॉग कर पाएं। आज के लिए आई एम सो सॉरी। और वैसे भी 95% से ज़्यादा सावनम इस वक्त इनएक्टिव है,
तो जितने भी नए मेंबर्स हैं सभी ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दो प्लीज़, और रोज़ वीडियोस देखा करो, पूरी पूरी वीडियोस देखा करो ताकि हमारी जो है रीच सही से रहे। और इतने मतलब ऑब्स्टेकल होने के बावजूद भी अगर मैंने इतनी मेहनत जारी रखी है तो आपका फ़र्ज भी बनता है सपोर्ट करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए मज़दावला के साथ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए मज़दावला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू सावना।